Welcome to the Khan Academy and Professional Academy students. आज के लिए हमारा next lecture है. आज हम detail में discuss करेंगे peat को. What is the peat? First stage of coal. क्या है जी? First stage of coal. Coal की पहली हालत. अच्छा जी. ये peat formed कैसे होता है? पीट फॉर्म्ड होता है वुड से. किससे बनता है ये? वुड से बनता है. ठीक है, किस में? अंडर द हाई प्रेशर. हाई प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लस आपके पास बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है. बैक्टीरिया एक्ट करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया इस पर एक्ट कर रहे होते हैं, ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो आपके पास, अगर मैं अभी माइन करूँ किसको? पीट को. अच्छा, पहले हम माइनिंग पे ही बात कर लेते हैं कि जो आपके पास इसकी माइनिंग है वो दो तरीक़ों से होती है. एक तो आप बाई हैंड करते हैं. किससे? हैंड से करते हैं. और दूसरा आपके पास क्या है कि आप मशीन एक्सकवेशन भी कर सकते हैं, यानी मशीन से भी इसको निकाल सकते हैं. निकालने के बाद ये बात याद रखिएगा कि जो आपके पास फ्रेश पीट है, जो कि सॉरी फ्रेश पीट है, ये क्या करता है? ये आपके पास हाई वाटर कंटेंट रखता है. हाई वाटर कंटेंट, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. इसको पहले आपको ड्राई करना पड़ता है अगर आपने यूज़ करना है. इसकी आपके पास क्लोरीफिक वैल्यू, यानी जिसे आप जीसीवी कहते हैं, ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू, वो करीबन आपके पास. अच्छा, ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू के बारे में पहले बात कर लेते हैं. ये क्या होती है? आप क्या करें, इसको हीट करें या बर्न करें. ठीक है, इसको बर्निंग करें आप, किसकी? पीट की बर्निंग करें, तो जो आपको हीट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उसे आप ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ पीट कहते हैं. अच्छा, इसकी जो ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू है वो आपके पास 4500 से लेकर 5000 किलो कैलोरीज, ये भी याद रखिएगा, किलो कैलोरीज पर केजी होती है. ठीक है, किलो कैलोरीज पर केजी होती है. इसके अलावा आपके पास, इसको हम 40 से 50 डेज ड्राई करने के बाद यूज़ करते हैं. डेज ड्राई करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है. देन इस ये यूटिलाइजेशन के काबिल होता है. नेक्स्ट आपके पास जो है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पीट को इग्नाइट भी किया जा सकता है, फ्रीली बर्न भी किया जा सकता है. इसके यूजेस क्या हैं, आप देखते हैं इसके यूज़. पीट यूज़ कहाँ पे होता है? पीट इज़ यूज्ड इन द स्टीम बॉयलर. किस में? स्टीम बॉयलर में इस्तेमाल होता है. स्टीम बॉयलर में इस्तेमाल होता है. ठीक है, इसके अलावा पावर जनरेशन में यूज़ होता है. आप इससे पावर बना सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये किस में इस्तेमाल होता है आपके पास? इससे बहुत सी प्रोडक्ट बनती हैं. क्या बनती हैं? बहुत सी प्रोडक्ट, जैसे कि पीट कोक बन सकता है. इससे भी कोक भी प्रोड्यूस होता है. ये वो पीने वाला कोक नहीं है, ये कोक पोरस मटेरियल जो बनता है हमारे पास. बाई प्रोडक्ट इससे बन ले सकते हैं हम, इजाफी प्रोडक्ट जिन्हें हम कहते हैं. बाई प्रोडक्ट में आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं. ठीक है, खादें जिन्हें आप कहते हैं, फर्टिलाइज़र. और हम इसके क्या कर सकते हैं, इसे जो कोक बनाएंगे ना, इसे आप मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जिसे आप स्मेल्टिंग वगैरह कहते हो, उसके अंदर आप इसको, स्मेल्टिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. स्मेल्टिंग आपको पता होगा कि आप जो आपका मेटल होती है, आप इसको हीट अप करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर.
नेक्स्ट आपके पास इसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको परसेंटेज ड्राई एयर ड्राइड बेस लूँ, यानी मैं इसको हवा में खुश करूँ, एयर ड्राई बेस बेस ले लूँ, तो मेरे पास इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। मेरे पास इसके अंदर इसका प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट करके देखते हैं क्या बनता है। प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। अब जो हमारे पास प्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, इसमें आपको बताया कल मैंने आपको बताया था मॉइस्चर, ऐश और क्या था, मॉइस्चर था, ऐश था, VM था, वोलेटाइल मैटर था, और क्या था, फिक्स कार्बन था, ठीक हो गया। अल्टीमेट में क्या था, कार्बन कंटेंट कितना, हाइड्रोजन कंटेंट कितना, ऑक्सीजन कंटेंट कितना, और नाइट्रोजन कंटेंट कितना, और सल्फर कंटेंट कितना, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए पीट के बारे में। अच्छा, जो पीट है आपके पास, इसकी 15 to 25 करीबन मॉइस्चर की रेशियो है, ये परसेंटेज में भाई मैंने लिख दिया। ऐश आपकी 30% है, सॉरी 3 to 10% है, 3 to 10% ऐश पाई जाती है इसके अंदर। वीएम आपका इसमें 50 to 55% देखा गया है, 50 to 55% देखा गया है। जो आपके पास फिक्स कार्बन है, ये 25 से 30% पाई जाती है, और जो आपके पास इसका कार्बन कंटेंट है, वो आपके पास 55% करीबन कार्बन कंटेंट कह सकते हो आप। 6% इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, 30% इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, 1.5% नाइट्रोजन अवेलेबल है, और 1% आपके पास सल्फर अवेलेबल है। ये है जी पीट की जनरल प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस। ये आपका एलिमेंटल एनालिसिस है, और ये आपका प्रॉक्सीमेट है, यानी मॉइस्चर, एश, वीएम, और ठीक है, आपको मैं हीटिंग वैल्यू इसकी बताई थी, जिसे आप एचएचवी भी कहते हो, हायर हीटिंग वैल्यू, तो करीबन 4500 किलो कैलोरीज पर केजी रिमूव होती है, ठीक है, बर्निंग से हमें ऑब्टेन होती है। हम इसे यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, आपको पता है कल हमने इसको डिस्कस किया था कि हम इसको यूज़ करते हैं, बल्कि आज ही अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया है, और वो है आपके पास स्टीम बॉयलर, पावर जनरेशन, प्रोडक्ट, कोक, इन सब चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, गुड बाय।